हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो ऑफ एके जी। भाई साहब, मैन सिटी इज़ बैक इन द बिजनेस। वापस से मैन सिटी जो है वो हाथ मूत रही है प्रीमियर लीग में। और भाई साहब, ये क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है मैन सिटी को देख करके कि केविन डी ब्रुइना 19-20 वाला केविन डी ब्रुइना बन चुका है, जिसने प्लेयर ऑफ द ईयर उठाया था। पेप गार्डियोला वापस से, लेकिन पेप गार्डियोला को तो कोई सीज़न पूरा जाता ही नहीं है। एनीवेज, तो भाई साहब, इनकी हर एक चीज़ जो है वो अब बेहतरीन लग रही है। और एक चीज़ जो सच में सुधरी है वो है इनकी अटैक। मेरे को याद है जब मैं दिसंबर में मैन सिटी वर्सेस यूनाइटेड का प्रीव्यू बना रहा था, आई सेड इट देयर कि इनके अटैक में प्रॉब्लम्स लग रही हैं, इनके डिफेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा था। बट अभी रीसेंट रन ऑफ गेम से ऐसा समझ में आ रहा है कि डिफेंस थोड़ी सी अच्छी होते हुए हमको दिखी। बट भाई साहब, अब तुम सिटी को देख लो, तब वो वापस से वही वाली सिटी नज़र आ रही है जो ईजिली कोई भी गेम में 2 गोल 3 गोल 4 गोल दाग देती है। भाई साहब, दे आर अनबीटन सिंस नवंबर, जहाँ पे स्पर्स ने उनको 2-0 हराया था। और उस दिन से उनका अटैक जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। अभी भी अगर तुम देखो तो अग्वेरो इंजर्ड है, हीजस जो है वो कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी खेलता है कभी नहीं खेलता है। और जिस दिन इनका अटैक नहीं चल रहा होता है, उस दिन मिडफील्डर्स जो हैं वो आग लगा देते हैं। वो मिडफील्ड का ट्रियो जो है वो मेरे को कभी शेवी नेस्टर और बुस्केट्स की याद दिला देता है। भाई, आइकॉनिक मिडफील्ड चल रही है सिटी की, और हर एक बंदा जो है वो खेल रहा है। वो चाहे फिल फॉर्डन हो, वो चाहे केविन डी ब्रुइना हो, वो चाहे गुंडोगान हो, हर एक बंदा जो है वो गोल स्कोर करने की ताकत रखता है। और हर एक मैनेजर का अपना कोई स्पेशल क्वालिटी होता है। मेरे ख्याल से पेप गार्डियोला का ये स्पेशल क्वालिटी है कि वो अपने मिडफील्डर से उनका बेस्ट गेम जो है वो निकाल के लिए आता है। वो चाहे तुम गुंडोगान को देख लो, फिल फॉर्डन को देख लो, केविन डी ब्रुइना को देख लो, उनकी पुरानी टीम्स में देख लो, थॉमस मुलर को देख लो, किमिच को देख लो, किमिच को भी उसने ही बनाया है, थियागो को देख लो, मैं नाम से ऐसे गिनवाते रह जाऊंगा, बार्सिलोना के प्लेयर्स को देख लो। भाई साहब, मिडफील्ड इज वेयर दी पेप गार्डियोला का गेम टोटली वर्क्स। और बाई चांस मान लो जिस दिन मिडफील्ड नहीं चली, उस दिन भाई डिफेंडर्स आके गोल मार जाते हैं। भाई, ये सिटी को क्या हो गया है, आग लगा रही है भाई सिटी। अगर तुम इनके रिसेंट रन ऑफ गेम्स को देखो, द लास्ट टाइम व्हेन दे ड्रू वॉज इन 16 दिसंबर, जहाँ पे वो 1-1 वेस्ट ब्रॉम से जो है वो ड्रॉ करे थे। उसके बाद ये 8 गेम्स से अनबीटन चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 8 गेम्स बहुत छुटर्रे मुटर्रे टीम के खिलाफ थे। भाई साहब, बड़े गन्स के खिलाफ भी मैचेस थे। अगर तुम नजर डालो EPL में, भाई साहब, EFL में यूनाइटेड के खिलाफ 2-0, चेल्सी के खिलाफ प्रीमियर लीग में 3-1, बहुत अच्छी विक्ट्री थी वो वाली, मैंने मैच देखा था। आर्सेनल के खिलाफ, अब आर्सेनल बड़ी टीम है कि नहीं है मेरे लिए तो है, तुम्हारे लिए नहीं पता, लेकिन आर्सेनल के खिलाफ 4-1 जो है वो ये निकाल के ले आया। तो ऐसा नहीं कि छोटे गेम्स थे, 8 गेम्स में 3 बड़े बड़े गेम्स थे, और तीनों बड़े गेम्स में सिटी ने जो है वो ईजिली बीट किया अपनी ओपोजिशन को। पर ये बात ना कि इनकी अटैक वापस से काम करने लगी है, इनकी मिडफील्ड जो है वो गोल्स मार देती है, और जिस दिन मिडफील्डर गोल नहीं मारते उस दिन डिफेंडर्स गोल मार देते हैं, पिछला गेम जो है वो प्रूव कर देता था। पिछला गेम वॉज बिटवीन सिटी एंड क्रिस्टल पैलेस, जहां पे सिटी ने 4-0 क्रिस्टल पैलेस को हराया है। और यहां पे 2 गोल्स जो है वो जोन स्टोन्स ने मारे हैं, डिफेंडर है सिटी का और वो 2 गोल मारा है। भाई साहब, एक गोल उसमें से केविन डी ब्रुइना को मैं दे देता हूं। भाई, क्या असिस्ट था भाई वो, भाई साहब, आउटसाइड फ्रॉम द फिट, भाई साहब, इट वॉज ग्रेट। दी लेजेंडरी केविन डी ब्रुइना हमको देखने को मिला था उस दिन। और 2 गोल्स मैंने बताया, एक डिफेंडर ने मार दिए, भाई जॉन स्टोन्स ने मार दिए, एक गुंडवान ने मार दिया, और एक स्टर्लिंग ने मार दिया। तो देखो, मिडफील्डर ने भी गोल मारा, डिफेंडर ने भी गोल मारा, और अटैकर ने भी गोल मारा। तो अब अपन ये कहते हैं कि भाई साहब, मैन सिटी इज बैक इन बिजनेस। और जिस दिन मिडफील्डर्स भी नहीं चलते हैं ना, उस दिन इनके साले डिफेंडर्स चल जाते हैं। और डिफेंडर्स केवल गोल मारने का काम नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग ग्रेट इन डिफेंस एज वेल। भाई साहब, अगर तुम इनके डिफेंसिव रिकॉर्ड्स को देख लो, वो भी टॉप नॉच रहे हैं। क्लीन शीट पे क्लीन शीट आ रहे हैं, और जिस दिन क्लीन शीट नहीं भी आया, उस दिन केवल एक गोल ही एक खाते हैं। कोई बड़ा टर्मोइल देखने को नहीं मिलता डिफेंस में, और उसका श्रेय केवल और केवल एक बंदे को जाता है, और वो है रूबन डियाज। भाई साहब, रूबन डियाज और जॉन स्टोन्स की जो पार्टनरशिप है वो आइकॉनिक पार्टनरशिप हमको नजर आ रही है। और अगर मैं एक बात कहूं ना, तो रूबन डियाज बेनफिका से आकर के जिस टाइप से अपने आप को अडेप्ट किया है प्रीमियर लीग में, वो आजकल बहुत सारे प्लेयर्स नहीं कर पाते हैं। और बेनफिका जैसी टीम से आकर के और फिर प्रीमियर लीग में आग लगा रहा है, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। और मेरे ख्याल से पुर्तगाल की लीग के आए हुए प्लेयर्स चमक जाते हैं, लेकिन बुंडस लीग और इधर उधर से आए हुए लोग प्रीमियर लीग में थोड़ा सा मुश्किल करते हैं अडेप्ट करने में। सो या जीसस जो है वो वापस से फिट
अगेन है वो अब हमको खेलते हुए नजर आएगा। अपन होप कर सकते हैं कि अगुएरो आने वाले एक आध दो हफ्ते में हमको वापस से नजर आएगा। तो हाँ, अटैक जो है वो उनका बैक इन एक्शन हो जाएगा, मिडफील्ड जो है वो आइकॉनिक चल रही है, और डिफेंस तो भाई रॉक सॉलिड। एक बार टेबल पर नजर डाल देते हैं तो हम देख सकते हो यहाँ पे सिटी सेकेंड ऑन द टेबल बैठी हुई है विद 35 पॉइंट्स, बराबर है लेस्टर सिटी से। और लेस्टर सिटी यहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग है, पिछले बार भी जब लेस्टर सिटी जीती थी लीग तो कोई नहीं बात कर रहा था इनके बारे में, इस बार भी तुम देखो थर्ड है और कोई नहीं बात कर रहा है इनके बारे में। बट मेरे ख्याल से इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जो अपन आने वाली एक आध दो वीडियो में करेंगे। सो या लेस्टर सिटी भी जो है वो 35 पॉइंट्स के साथ बैठी हुई है, लेकिन भाई साहब एक चीज़ जो है वो तुम ध्यान दो कि मैन सिटी के पास एक गेम इन हैंड है। तो या एक गेम इन हैंड होने का फ़ायदा उनको आगे देखने को मिलेगा, बट मेरे ख्याल से अगर सिटी जो है वो प्रीमियर लीग जीतना चाहती है ना, तो अभी आने वाले कुछ गेम्स उनको जीतने पड़ेंगे। वो थोड़ी छोटी टीम्स के खिलाफ है, वेस्ट ब्रॉम हो गई, शेफील्ड यूनाइटेड हो गई, बर्नली हो गई, ये तीन गेम्स अगर सिटी लगातार जीत जाती हैं, क्योंकि आने वाला फरवरी जो है वो हार्ड होगा सिटी के लिए। वहाँ पे 6 फरवरी को दे विल बी फेसिंग लिवरपूल, हार्ड है। उसके बाद 13 फरवरी को दे विल बी फेसिंग टॉटेनम, जोजे मरीनो की टीम, और इनसे सिटी लास्ट बार हारी थी। एंड देन दे विल बी फेसिंग आर्सनल ऑन 20 फेब। तो तीन लगातार बहुत बड़े गेम्स आने वाले हैं सिटी के लिए। एंड ये जो अभी जनवरी के बचे हुए गेम्स हैं, अगर सिटी जीत जाती है और बाई चांस आगे जाके एक आध दो गेम हारती भी है तो वो उनके लिए ईजी हो जाएगा, बट जनवरी के बचे हुए गेम्स जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से मेरे नज़र में प्रीमियर लीग भी ना अब UCL टाइप हो गई। अपन UCL में बोलते हैं ना, इफ़ यू वॉन्ट UCL कप यू हैव टू स्कोर गोल्स। अब प्रीमियर लीग के साथ भी ऐसी हो गया, अगर तुमको प्रीमियर लीग जीतना है तो योर अटैकर्स नीड टू वर्क देयर एस ऑफ और दे हैव टू स्कोर गोल्स, एंड सिटी के अटैकर्स, मिडफील्डर्स, इवन डिफेंडर्स आर डूइंग दैट। सो मैं अभी भी ये चीज़ नहीं कहूँगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा प्रीमियर लीग, क्या सिटी जीत सकती है, आई डोंट थिंक सो। बट हाँ, एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिटी इज़ बैक टू बेसिक्स, और लग रहा है कि सिटी जीत सकती है इफ़ दे कंटिन्यू देयर रन ऑफ फॉर्म। बाकी देखते हैं क्या होता है, प्रीमियर लीग तो आखिरी दिन तक चलने वाला है। एंड फिर से एक बार, लास्ट बार, सिटी इज़ वापस से बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आई एम आशीष के साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस। मिलता हूँ अगली वीडियो में और ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है।